ओम शांति। आप सबने रेस्पान किया? हाँ, ओम शांति का रेस्पान करना चाहिए ना। जैसे हम आपस में मिलते हैं ना, हम कहते हैं भाई राम राम, तो सामने वाला क्या कहेगा? राम राम कहेगा ना। तो हमने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का ये एक मूल मंत्र है, ओम शांति। अभी तो आपने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन आगे विधि पूर्वक बोलेंगे। जब भी हम आपस में मिलते हैं तभी भी ओम शांति शब्द से मिलते हैं, और जब कहीं चले जाते हैं तो भी हम कहेंगे अच्छा भाई ओम शांति। ओम शांति शब्द से छुट्टी लेंगे और ओम शांति शब्द से मुलाकात करेंगे। क्लास में आएंगे तो वाणी शुरू करने से पहले हम ओम शांति बोलेंगे, क्योंकि ओम शांति का अर्थ बहुत ही सहज और सुंदर है, जो जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शरीर के अंदर विराजमान है, परंतु शरीर तो नहीं बोलता है ना, बोलने वाली है आत्मा। कैसे बोलेंगी? मुख का आधार लेके। तो बोलने वाली आत्मा है, पर मुख के द्वारा बोल रही है, आंखों के द्वारा वो देख रही है। देखने वाली आत्मा, सुनने वाली आत्मा, हर कर्मेंद्रिय से कार्य कराने वाली आत्मा है। परंतु बहुत काल से ये ज्ञान न होने के कारण हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते रहे। जो हमारे माँ बाप ने हमारे शरीर का नाम हमारे पहचान के लिए रखा ना, उसी को लेकर के मनुष्य बोलेंगे, फलानी बहन, मंजू बहन। बस मंजू बहन नाम बोला ना तो बुद्धि में मंजू ही आ गया, पर वो तो देह का नाम है। पर मंजू के तन में कौन विराजमान है? पहले तो वो ज्ञान बुद्धि में रहे ना। तो यहाँ ये पाठ पक्का कराया जाता है। मैं चार शब्दों में आपको बताऊंगी जो आपको सहज तरीके से बुद्धि में बैठ सके, क्योंकि यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो इंटरनल है। देह के संबंध में कई बातें हैं जो हम देखते हैं, जहाँ बैठी है, सोफे पर बैठी है, बिजलियाँ जल रही है, पंखे चले, इसकी नॉलेज तो सबको है। परंतु जो बैठने वाला है इस कुर्सी पर, वो कौन है? उसकी पहचान ही नहीं है। इसका सुख भोगने वाला कौन है? बनाने वाला कौन और सुख भोगने वाला कौन है? तो हाल की पहचान तो हो गई, कुर्सियों की पहचान, बिजलियों की, ये सब हो गई, परंतु सुख भोगने वाला ये कौन है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जो यहाँ बात बताई जाती है कि अपने आप को पहचानो मैं कौन हूँ। हम सब ही अज्ञान निद्रा में थे, हमें भी मालूम नहीं था हम कौन थे। शरीर का नाम रखा माँ बाप ने, हमारे नाम को लेके सब बुलाते हैं, फलानी फलानी, हम भी समझते हैं फलानी है, परंतु ये तो देह का नाम है। यहाँ ये समझा गया कि देह के अंदर जो विराजमान आत्मा है उसकी पहचान रखो और उसी स्मृति से एक दो के साथ व्यवहार करो, बल्कि सारे संसार के आत्माओं के साथ, सब आत्माओं को, मन मनुष्य टोले में है ना आत्माएं, आत्मा समझ करके बात करो, आत्मा समझ करके व्यवहार करो, ताकि किसी के साथ भी हम ऐसा कोई व्यवहार न करें जो हम दुख देने वाला व्यवहार करें तो दुख का बीज हमने बोया अपने लिए। हम छूट नहीं सकती है। हम समझते हैं इसने ऐसा किया तो मैं इसको सीधा करके ही छोड़ूंगी, परंतु हम सीधा नहीं कर सकते हैं। जो कुछ हम कर्म करते हैं ना, उल्टा या सुलटा, उसका हम कोई फल भोगना पड़ता है। तो यहाँ ये सिखाया जाता है हम स्वयं को कैसे समझे और सुधारें। कोई भी गलत काम हमारे कर्म इंद्रिय से होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब मेरी कर्म इंद्रिय है, और ये कर्म इंद्रिय अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए मिली हुई नहीं है। तो क्यों ना हम अच्छे से अच्छा काम करें, मुख से अच्छे से अच्छा बोलें, इसमें क्या नुकसान होता है हमारा? अच्छे भाव से सबको देखिए कौन है। तो पहले नॉलेज नहीं होती है तो उस भाव से हम देख नहीं सकते हैं। यहाँ आकर के ये पहचान मिली मैं कौन हूँ और ये सब कौन है, हम किसके बच्चे हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों जगत में आए। ये ज्ञान मिलने के बाद हमारी लाइन बहुत क्लियर हो जाती है, कर्म बिल्कुल श्रेष्ठ हो जाते हैं। किसी के साथ भी कोई ऐसा वैसा व्यवहार हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यवहार का बीज जो मैंने बोया ना वो मेरे लिए ही हो जाता है, दूसरे के लिए नहीं होता है।
अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा ही मुझे मिलेगा, बुरा बीज बोएंगे तो बुरा ही मुझे मिलेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मेरे कर्मों को ठीक रखना चाहिए ना। मैं ऐसा कर्म करूं ही क्यों जो मुझे दुख भोगना पड़े? मैं दुख को चाहती नहीं हूं, तो दुख देने वाला बीज भी क्यों हुए? तो यहाँ वो शिक्षा मिल जाती है जो हम खुद भी अपना सुधार कर सके और दूसरों का भी सुधार कर सके और सबका कल्याण कर सके, ऐसी यहाँ शिक्षा दी जाती है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप ऐसे स्थान पर आए हैं। कभी आपने इससे पहले जिंदगी में न ऐसा स्थान देखा और न इसके बाद कहीं भी जाके देख सकते हो। ये मैं गारंटी से आपको कहती हूँ, सारे विश्व के अंदर ये एक ही विश्वविद्यालय है जिसमें ये रूहानी शिक्षा मिलती है, आत्मक शिक्षा मिलती है, जिसमें इंसान को इंसान तो क्या परंतु इंसान को देवता बनाने की ट्रेनिंग मिलती है। कैसे हम इनको देवता बनाएं, दैवी गुणों से युक्त हो जाए, कोई भी पाप कर्म न करे, खुद को ही खुद समझ करके अपने कर्मों को इतना सुधारे जो कोई भी एक सेकंड के लिए भी कोई पाप मेरे से न हो। क्यों करे? जरूरत ही क्या है पाप कर्म करने की? दुख भोगने की शक्ति है नहीं, अंदर हमारा मन मानता नहीं है, तो फिर ऐसा काम ही हम क्यों करें? तो इस शिक्षा को जितना जितना हम ग्रहण करेंगे, अच्छी तरह से अपने आप को पहचानेंगे, अपने सच्चे पिता को पहचान करके उनसे योग लगाएंगे, फिर जगत में क्यों आए हैं, जगत का कुछ भी वैभव आप ऊपर से न ले आए न ऊपर ले जाएंगे, तो संसार में कैसे रहना चाहिए? बिल्कुल न्यारा। जैसे आप आए हो ना, सब देख रहे हो, अच्छा अच्छा सामान आपको दिखाई पड़ रहा है, पर आपको ये संकल्प भी नहीं आएगा, तो जब जाएंगे ना तो एक कुर्सी यहाँ से ले जाएंगे, बहुत अच्छी लगती है कुर्सी, आएगा ख्याल किसी को? आए सब देखा, अच्छा है, बस जिसका है स्थान, जिस स्थान पर आए है, जिसके लिए बनी है, वो नॉलेज आप सबको हमको भी है, परंतु मन इन सब बातों से उपराम रहता है, कभी वैभव में लिप्त नहीं होता है। तो आप सबका यहाँ आना बहुत ही अच्छा लगा है, और आगे के लिए भी आप 3-4 दिन में बहुत कुछ सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और फिर दूसरों को समझाएंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। क्योंकि जिसके बुद्धि में कोई नई नॉलेज आ जाती है ना, तो वो दूसरों को सुनाने बगैर रह नहीं सकता, ये अनुभव है। पता नहीं होता है तो ना हम सुनते हैं ना सुना सकते, जब समझ में बात आ जाती है फिर लगता है ये बात भी सबको पता लगनी चाहिए, ये समझाना चाहिए, ताकि मनुष्य रोशनी से काम करे। तो मैं आपका ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ, और मैं आशा करती हूँ तो इस तरह से हमारा मिलन होता रहेगा, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास वो हम आपको ज़रूर देंगे। आज तो 2-4 मिनट के लिए मिलने का था, लेकिन फिर हम एक टाइम आप सबके बीच में आने वाले हैं। ओम शांति।